बात वहीं से शुरू होगी जहां से वीडियो टू बी कंटिन्यूड हो गया था, क्रमशः लिखा था। लास्ट वीडियो को देखिएगा तो लास्ट वीडियो की आगे की बात इस वीडियो में होगी। एचडीएफसी एएमसी पे बात होगी, टेक महिंद्रा पे बात होगी, एचसीएल टेक पे बात होगी और बाजार क्या कर रहा है इस पर बात होगी, निफ्टी क्या भूमिका निभाएगी आगे इस पर बात होगी और मेरे टेलीग्राम की कमेंट्री क्यों जरूरी है आपके लिए इस पे बात होगी इस वीडियो। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। तो बात मैं ये कर रहा था लास्ट वीडियो में कि CDSL में जो चार्जेस लगते हैं, चाहे एक शेयर बेचो, मतलब एक स्क्रिप्ट का चाहे एक शेयर की क्वांटिटी बेचो चाहे 100 शेयर की क्वांटिटी बेचो, पैसे आपके 18-20 रुपए जो भी लगते हैं वही लगेंगे। चाहे 1,00,000 क्वांटिटी बेच दो एक शेयर की, तब भी उतने लगेंगे। ब्रोकरेज नहीं लगती, डिलीवरी बेस पे जीरोधा में। तो मैं जब शेयर खरीदता हूं किसी चीज के पोजिशनल के लिए तो 5-5 करके एक साथ खरीदता हूं बहुत सारे शेयर, और एक ही बार में अगर इंट्राडे में मौका लगा, लक्ष्मी ने सम्मान दिया मुझे, मुझे अपना आशीर्वाद दिया और पैसा आ रहा है मेरे पास, तो एक ही बार में सारे शेयर बेच देता हूं। तो शाम को जो काउंट होती है बाइंग और सेलिंग की क्वांटिटी, वो एक साथ काउंट होती है, भले वो दिन में 4 बार बेची गई। जीरोधा मेरे साथ ऐसा होता है और बॉम्बे बेस्ड मेरा एक ब्रोकर है तो वहां पे तो मेरा 1:10 का है ही। ये बात वहां खत्म हो गई, ये वीडियो में मतलब ये रह गई थी बात, तो ये बात आपको मैंने बता दी। और बेचने और खरीदने का तरीका मेरा देश काल समय परिस्थिति पे डिपेंड करता है, अलग अलग तरीके से करता हूँ, वो मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ। कुछ चीजें मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ, चाहे मैं आपको अपने बगल में बैठ के भी करवाऊं काम तो भी नहीं समझ पाएंगे। वो किस समय क्या मूड है, कैसे शेयर बिकेंगे, मुझे भी नहीं पता होता। कारतूस जब मैं निकालता हूँ, जब फायर करता हूँ, तो मैं तो कारतूस के खोखे का पैसा भी नहीं देखता हूँ कितने का कारतूस है, बेचता चलता हूँ। खरीदता भी ऐसे ही हूँ, कभी रेट लगा के नहीं खरीदता हूँ सौदा, हमेशा अगर बाइंग करनी है तो 2 रुपए ऊपर बाइंग करूंगा, बेचना है 2 रुपए नीचे बेच दूंगा। क्यों? मुझे पोजिशनल ट्रेड में पैसा ही 50-100 रुपए चाहिए होता पर शेयर। दूसरा, 9 से 3:30 बराबर बाजार में रहता हूँ, आज से नहीं पिछले 25 साल का यही नियम है। 25 साल में 5 साल हटा दो तो 20 साल से तो यही नियम है 2000 के बाद से, कि मार्केट में बराबर देखता हूँ, 9 से 3:30 रहता हूँ। इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं है, मैं शेयर मार्केट से ही पैसे कमाता हूँ और इसी से अपना घर खर्च चलाता हूँ, पिछले 15 साल से तो यही हो रहा है। तो ये बात आपको बता दी। अब टेलीग्राम पे इसलिए आपका रहना जरूरी है, अगर पैसे कमाने हैं, अगर लर्निंग लेनी है शेयर मार्केट की, तो मेरा टेलीग्राम तो आपको जरूर जरूर ज्वाइन करना है। उसमें जो कमेंट्री है वो समझ लो किसी वेबिनार की कमेंट्री से कम नहीं है, किसी किताब से कम की लर्निंग नहीं दे रहा हूं। समझ पाओगे तो पैसे भी कमाओगे और अनुभव भी ज्यादा से ज्यादा बटोर पाओगे। दूसरी बात, टेलीग्राम पे मैंने जब भी कोई बात की है तो हमेशा 2 महीने पहले कर दी है। पता नहीं कितने लोग पुराने मुझसे जुड़े हैं, पिछले साल जब 15-800 की बात कर रहा था तो 2-3-6 महीने से पहले अप्रैल से करने लगा था। इस बार भी मैं अगर 16-400 की बात कर रहा हूं तो टीवी पे आज केड़िया जी फिर बता रहे थे 16-800 के नीचे का रास्ता खोल दिया, कुछ निफ्टी ने कोई हमको भेजा था लिंक उनका। तो चीजें पहले से पहले बताता हूं, शेयर भी मैं पहले से पहले अपने ट्रेड आपको बताता हूं जो लर्निंग पर्पज से ही होते हैं, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं होती, लेकिन उसके बाद वो टीवी पे बताए जा रहे होते हैं। तो टेलीग्राम पे अगर मैं 1-2 महीने पहले से ही बता रहा हूं कि बाजार गिरेगा, तो बाबूजी बाजार गिरेगा, कोई रोक नहीं सकता उसको। आज आपने देखा निफ्टी किस तरह से चली, निफ्टी का मैंने टारगेट दिया था कि नीचे 18,555 या 638 की क्लोजिंग का ये सिरा है उसका, और जब मार्केट गिरा तो मैंने कहा 50 पॉइंट यहां प्लस होंगे, जब वो प्लस हो गए, जब निफ्टी दोपहर में 18,740-41 हो गई, मैंने कहा 50 पॉइंट और जुड़ेंगे, 18790 होगी। और इसके बाद स्टॉप लॉस भी कटने की बात मैंने टेलीग्राम पे बताई और वो 18810 के ऊपर कटने लगे थे, 18816 की क्लोजिंग आई है।
एक शेयर मेरा पिछला दिवाली का है HDFC AMC, मई में भी मैंने उसको बोला था कि यार ये 1500 का टारगेट टीवी में इसका देने लगे हैं और बड़ा खराब है, परमात्मा इज्जत बचाओ, तो 100 रुपए उस दिन भी पड़ा था, 18% तब भी पड़ा था। अगर आपको टेलीग्राम पे मेरा कोई वक्तव्य देखना हो या किसी शेयर से रिलेटेड देखना हो कि इस शेयर के लिए सर ने क्या क्या बोला है पिछले एक साल में, तो 3 डॉट होते हैं ना टेलीग्राम पे राइट हैंड पे ऊपर, वहां पे सर्च होता है, वहां पे HDFC AMC लिख दोगे तो सारा आ जाएगा। तो HDFC AMC में मैंने बराबर बोला कि परमात्मा रक्षा करिए, 18% पहले भी बढ़ा था, इसके बाद अभी ये बीच में बढ़ा था, याद करिए जब 1680 जाके पूरी इसने रैली की थी 1970 तक शायद, फिर वहां से ये गिरा, तब मैंने इसको अभी 1900 में थोड़े से शेयर खरीदे, थोड़े से 1920 में खरीदे, कुछ 1885-90 में खरीदे, ये सारे शेयर आज बेचे मैंने। अब हुआ क्या, देखो सारा खेल है, फॉरेन इन्वेस्टर जिनका नाम बराबर आ रहा है उन्होंने आज 10% अपनी स्टेक बेची HDFC AMC में, और HDFC AMC में यही हैंगओवर था कि यार स्टेक बेचना है, चल नहीं पा रहा है शेयर, चल ही नहीं पा रहा है ये कोरोना के बाद, एक बार गया था 3000 फिर चला ही नहीं, कोरोना के बाद भी गया था। अब HDFC AMC में किसी को तो पता था कि इस तरह की ये होगी सेल, तभी याद करिए कि 1900 के नीचे 1885 तक अभी 4-5 दिन पहले ही गया था HDFC AMC, मैंने वहां पे पोजीशन बनाई अपने मतलब की, मुझे 100 रुपए चाहिए थे। आज जैसे ही ये 2030 के ऊपर निकला, ध्यान दिया शेयर में कैसे शॉर्ट कवरिंग, ये आज पूरी शॉर्ट कवरिंग थी HDFC AMC की। सुबह जैसे ही बिका शेयर स्टेक पिक की बात हुई, उसके बाद ये तुरंत 2030 गया, और ध्यान दीजिए 2030-32-27 जाने के बाद ये तुरंत गिर पड़ा था और 1994 बिकने लगा था, मुझे याद है 1994 में इंट्राडे तो मेरा मन नहीं था, कोई पोजीशन ही देख रहा था और मैं दूसरे, लेकिन मेरा रेट निगाह में आया था कि 1994 देखो बिक रहा है। इसके बाद जब दोबारा 2030 गया तो मैंने 1920 वाले 100 रुपए ऊपर सारे शेयर निकाल दिए, 1920 के नीचे जितने थे 100 रुपए ऊपर कोई 130 रुपए सब निकाल दिए। इसके बाद इसने 2081 पे सर्किट लगाया। अब देखो फ्यूचर वाले शेयर में पहले सर्किट ऐसे दिखता है कि 10% का सर्किट है, लेकिन फ्यूचर वाले शेयर में 15 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद अगर अपर सर्किट लगा या लोअर सर्किट लगा, जो भी सर्किट लगा वो खुल जाता है ऊपर की तरफ, इसका सर्किट भी खुल गया। और सर्किट जब खुल गया तो 2081 में भी मैंने थोड़े से बेचे हैं, और उसके बाद मैंने 2127 वाला भी टेलीग्राम पे मैसेज किया कि भाई साहब इतनी अच्छी रैली मिलती नहीं है, 12% ये मिल रहा है और 10% तो करीब 22% का रिटर्न मिल रहा था एक हफ्ते में। 1900 का शेयर अगर ये बिक रहा है 2127 का, तो हाँ 10-15% का रिटर्न ये हो रहा था, तो ये रिटर्न लेना जरूरी था, तभी मैंने कहा कि इतना अच्छा मौका नहीं मिलता। और दूसरा ये कोई फंडामेंटल रैली का रिटर्न नहीं था, क्योंकि स्टेक बिकी, फ्यूचर का शेयर है, लोगों ने शॉर्ट किया कि अब तो दबेगा शेयर, वहां से ट्रैप हो गए शॉर्टर्स और ऑपरेटर उनको खींच के ऊपर ले गया, इसलिए शॉर्ट कवरिंग में इतना बढ़ गया था, नहीं तो 2081 और 2127 जाने की तो बात ही नहीं थी। दूसरा मैंने ये भी बोला था टेलीग्राम पे कि 2127 में भी ऊपर कोई इसको सेलिंग कर रहा है फिर से, और देखिए क्लोजिंग 2104 वार की हुई, 2104 या 5 की HDFC AMC की, और 110% कहता हूं कि बड़े आराम से कल 2060 2070 2080 में फिर मिलेगा, और मैं इसमें एंट्री करूंगा लगभग 2000 के नीचे एक आध शेयर लूंगा, या 2030 पे एक शेयर लूंगा, 1980 पे एक शेयर लूंगा, फिर 1940 से एक दो करके ऐसा फिर से लेना शुरू करूंगा, फिर पोजीशन बनाऊंगा। वो तो आज गंगा जी बह रही थी तो हमने भी हाथ धुल लिए कि जितने शेयर है बेच लो एक बार, फिर से नीचे मिल जाएगा, मौज ले लेंगे, ये हो गया। अच्छा दूसरी बात अब टेक महिंद्रा की कर लेता हूं, तो टेक महिंद्रा मैंने मई में बराबर कहा कि मैं पोजीशन बनाऊंगा, जून में भी बनाऊंगा आपसे कहा था, और मैंने 1078 पे खरीदारी की, आज वो 1108-9 था, बड़े आराम से 1180-1200 भी जा सकता है, तो 10% रिटर्न मेरा यहां बनेगा। तीसरा शेयर आज SCL टेक चल रहा था, उस पर भी मैंने बात की थी, ये दोनों शेयर बेसिकली मैंने बात की थी जब मैं बीच में दोपहर में लाने लगा था बाजार की कमेंट्री, तो उस बाजार की कमेंट्री में मैंने बात की थी, तो ये चीज हो गई। अब मार्केट क्या कर रहा है, तो यार मार्केट बिल्कुल ऊपर जाने की तैयारी में है या नीचे जाने की तैयारी में है, ये सबके अनुमान है अलग अलग,
लेकिन मुझे ये लगता है कि बाजार में करेक्शन आएगा। अभी जो करेक्शन आ रहा है, फिर समझो, जो अभी करेक्शन आ रहा है ये दूसरी वजह से आ रहा है। डाउ जोन्स में हमने बताया था कि 100 पॉइंट वो माइनस हो गया, कल डाउ जोन्स बंद था, आज डाउ जोन्स 300-400 पॉइंट माइनस हुआ। हो सकता है 300-400 पॉइंट माइनस बंद भी हो जाए बीच में रिकवरी देके। मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वहां पहुंच चुके हैं, उनके स्वागत में बाजार को बढ़ाना है, साथ में ऑपरेटर को ऊपर का लेवल भी देखना है, तो वहां का बाजार और इंडिया का बाजार पहले ही गिरा दे रहे हैं, ऐसे समझो। इंडिया का बाजार भी यहां गिरा देंगे कल, और कल के बाद जब वहां जितने भी दिन की यात्रा है उस बीच इंडिया के बाजार भी 200 पॉइंट निफ्टी बढ़ जाएगा और डाउ जोन्स भी 300-400 पॉइंट बढ़ जाएगा, और उसके बाद मोदी जी की वापसी हो जाएगी और उसके बाद फ्यूचर कटेगा 29 जून को। तो 29 जून को जब अमेरिका वापसी क्या होगी, हमें लगता है अमेरिका से शायद इजिप्ट जाएंगे, मिस्र जाएंगे, तो लेकिन 29 तारीख तक अमेरिका में शायद नहीं रहेंगे जहां तक मुझे मालूम है। तो 29 तारीख को जब फ्यूचर कट रहा होगा मंथली यहां का, तो वो 18,500 के नीचे कटेगा, ये मान के चलो कि मध्य है, 42,500 बैंक निफ्टी कम से कम, और 18,500 पे ये निफ्टी, ये दोनों को कटना ही है। तो ट्रोल यार मत किया करो इतना ज्यादा यार, ट्रोल से कोई फायदा नहीं है। मैं एक चीज समझा रहा हूं उसको समझने का प्रयास करो, काम कैसे करना है उसको समझने का प्रयास करो, किस तरह से शेयर खरीद के एक स्विंग कर लेना है उसका प्रयास करो, वो सब सीखो। ये मत सीखो कि सर ने क्या गड़बड़ किया है, क्या सही किया, क्या गलत बोल दिया है। देखो डे टू डे मार्केट कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, फिर भी मैं कोशिश करके कभी कभी आपको दिखाता हूं। जैसे आज मैंने निफ्टी का पूरा प्रेडिक्शन बताया सुबह से कि वो जैसे रिकवरी करेगी फिर ये 50-50, तो कभी कभी वो इंस्टिंक्ट हो जाता है, जाग जाता है, लेकिन ओवरऑल मेरा इस पे ध्यान नहीं रहता, मेरा अपने शेयर्स पे ध्यान रहता है कि मैं कौन सा शेयर खरीदूंगा, किसमें मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। निफ्टी से मैं सिर्फ इतना आकलन लगाता हूं कि निफ्टी मुझको ये बताती है कि अगर वो बढ़ रही है तो स्टॉक्स पे क्या असर पड़ेगा और गिर रही, क्योंकि अगर निफ्टी ओवरऑल इंडेक्स गिरता है किसी भी उसका, निफ्टी तो पूरे मार्केट का रेप्लिका है एक तरह से मान लो, अगर वो गिरेगा तो कुछ ना कुछ शेयर्स पे असर आता ही है। तो बैंक निफ्टी और अगर ये गिरते हैं तो उससे मुझे आसानी होती है अपने शेयर्स को ढूंढने में कि मैं नीचे किस में पोजीशन बनाना शुरू करूं। अपने दोस्तों में ही घूम टहल के पोजीशन बनाता रहता हूं इधर से उधर। तो अभी ETF में तो कोई काम नहीं करूंगा, जुलाई में काम करूंगा क्योंकि जुलाई में ही शायद मार्केट गिरेगा कायदे से, तो ETF में पोजीशन बनेगी। अभी ETF ऊपरी लेवल पे लेने का कोई फायदा नहीं है। तो इस तरह से होंगी चीजें, बाकी आगे वीडियो और लाता रहूंगा, कुछ PSU पे और वीडियो लाऊंगा कि डिविडेंड किन में अच्छा मिल रहा है, किसमें कैसा मुनाफा हुआ। जैसे PTC इंडिया के लिए मैंने बराबर बोला ये दो वीडियो में, देखिए कितना बढ़िया मुनाफा होता। REC PFC पे मुझे बोलना ही है आगे। वैसे डिस्क्लेमर दे दूं कि PFC में मैंने आज अपनी पोजीशन खाली की एक बार, क्योंकि मुझे लग रहा है कि PFC शायद गिर सकता है। नो बाई सेल रिकमेंडेशन, कोई भी खरीदारी या बेचान की राय नहीं दे रहा हूं, सिर्फ ये बता रहा हूं, ये लर्निंग वीडियो है, एजुकेशनल पर्पज से है। तो मैंने ये बताया कि मुझे लगा कि PFC मैंने 140, 130, 116 में खरीदी थी तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग मेरी बनती थी, 60-50% मुझे प्रॉफिट हो रहा था तो मैंने बुक किया। नीचे दोबारा जब तैयारी होगी तो लूंगा, उस पर अलग से PFC पे वीडियो ले आऊंगा। तो आशा करता हूं कि मेरी आपको बात समझ में आती होगी रोज। और इस मार्केट में अगर बने रहना है और अगर पैसे कमाना है तो टेलीग्राम मेरा फ्री चैनल है, फ्री टेलीग्राम चैनल को अगर फॉलो करोगे तो बाजार में बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी, हो सकता है कि कुछ अच्छे पैसे भी कमा सको। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने इष्ट मित्रों को अगर शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं वीडियो। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।